तो हेलो दोस्तों, तेजस ये टेक ज्ञान के इस नए वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं, आज की दुनिया है इंटरनेट की दुनिया, और ऐसे में आपने भी कभी ना कभी वीपीएन के बारे में जरूर सुना होगा, या फिर हो सकता है आप इसे यूज भी करते हो। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है ये होता क्या है, या फिर ये काम कैसे करता है? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में जानने से पहले चलिए जानते हैं कि आखिर इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, और जो हमारे डिवाइस होते हैं उनका भी एक आईपी एड्रेस होता है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने ब्राउजर की मदद से कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो जो सर्च का डेटा होता है वो जाता है पहले एक सर्वर तक, और वो सर्वर उस डेटा को रीड करता है, एनालाइज करता है, और उसके बाद उस सर्च का या फिर उस डेटा का रिजल्ट देता है, एंड ये रिजल्ट हम तक पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं सर्च रिजल्ट। और दोस्तों, यही एक रफ कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे इंटरनेट वर्क करता है। लेकिन दोस्तों, ये जो बात होता है हमारे ब्राउजर से हमारे सर्वर के बीच का, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हमारा सर्विस प्रोवाइडर चाहे तो उसे मालूम है हमारा आईपी एड्रेस, और ऐसे में वो हमारे ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में जान सकता है, या फिर हमारी गवर्नमेंट्स भी कई बार हमारे ऊपर ध्यान रखती है, एंड ऐसे में वो हमारे एक्टिविटीज के बारे में जान सकती है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती है जो आपके डेटा के बारे में जानना चाहती है, और ऐसे में वो यहाँ पे आपके डेटा के बारे में जान सकती है, क्योंकि जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो ये सिर्फ आपका सर्च का डेटा नहीं रहता है जो उस सर्वर तक जाता है, बल्कि बहुत सारे और भी डेटा रहते हैं आपके डिवाइस के बारे में, या फिर आपके ब्राउजर के बारे में, जो वहाँ तक जाते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप कभी भी किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते हैं, तो अगर सामने में कोई भी एक हैकर बैठा है जिसे प्रॉपर तरीका मालूम है, तो वो आपकी डिवाइस को इजीली हैक कर सकता है। दोस्तों, यहीं पे हम अपने वीपीएन को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे ये हमें देता है एक प्राइवेट नेटवर्क जो कि रियल नहीं होता है बल्कि वर्चुअल होता है, और इसीलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये वीपीएन वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने वीपीएन को यूज करते हैं और कुछ भी सर्च करते हैं, तो पहले हमारा सर्च डेटा जाता है उस वीपीएन के सर्वर तक, एंड वहां से हमारा सर्च डेटा जाता है मेन सर्वर तक, जहां पे उसको किया जाता है रीड और एनालाइज, एंड वहां पे मिलता है उसका रिजल्ट, जो हमारे वीपीएन के सर्वर से होते हुए हम तक पहुंचता है। और दोस्तों, ऐसे में ना ही कोई आपको हैक कर सकता है, ना ही कोई वेबसाइट आपके डेटा को रीड कर सकती है, ना ही कोई आदमी आपके ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। और दोस्तों, अगर गवर्नमेंट आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करती भी है, तो वो आपका आईपी एड्रेस नहीं होगा, बल्कि उस वीपीएन के सर्वर का आईपी एड्रेस होगा। और दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, या फिर किसी वीडियो को देखना चाहते हैं, लेकिन हम उसे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो हमारे लोकेशन के लिए अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में हम यूज कर सकते हैं अपने वीपीएन को, और हम उसके मदद से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको एक मूवी देखनी है नेटफ्लिक्स पे, जो कि सिर्फ यूएस में ही अलाउड है, तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं अपने वीपीएन को, एंड उसमें आप अपने वर्चुअल लोकेशन को चेंज कर सकते हैं यूएस के साथ, और ऐसे में आप जो भी सर्च करेंगे वो डेटा पहले जाएगा आपके उस वीपीएन के यूएस वाले सर्वर तक, एंड वहां से वो डेटा जाएगा नेटफ्लिक्स के मेन सर्वर तक, जहां पे जब उसे रीड और एनालाइज किया जाएगा, तो वहां पे आपकी लोकेशन इंडिया नहीं बल्कि यूएस दिखेगी, और उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका रिजल्ट, यानी कि आपकी वो मूवी, एंड ऐसे में आप उस मूवी को इंडिया में रहते हुए भी देख पाएंगे। और दोस्तों, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि वो इस वीपीएन की मदद से किसी भी इलीगल काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों को मैं बता दूं कि वीपीएन भी एक स्पेसिफाइड सर्वर होता है, एंड अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस सर्वर से किसी भी तरह के डेटा को निकाल सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विश जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपके काम आए, एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑन, और नीचे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो, और इतना कर ही रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।